जय श्री राम। राजकुमार रोथ, 84 विधायक, जिसने भगवान श्री राम के ऊपर एक बयान दिया है, जो उन्होंने काल्पनिक बताया भगवान राम को, और वह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजकुमार रोथ अपने परिवार में ही देखें, पिता का नाम शंकर जी, जो भगवान नाम भगवान शंकर जी के नाम से है, माता का नाम पार्वती जी, जो माता पार्वती के नाम से है, और धर्म पत्नी का नाम गीता, जो धर्म ग्रंथ गीता के नाम से है। तो आखिर में ये काल्पनिक किस प्रकार से है? क्या ये संस्कृति के खिलाफ में बात कर रहे हैं, या फिर भगवान श्री राम के जिस प्रकार से बयान दे करके सनातन धर्म और धर्म और संस्कृति को अपमान करने का काम किया है, ये जो जिस तरह की बात है, पिताजी माताजी सब सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को मानने वाले, और इसके कारण से इनका नाम हुआ, और आज राजकुमार जो अपने आकाम को खुश करने के लिए यह इस प्रकार के यह बयान दे करके इस सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति को यह अपमान कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि जिस प्रकार का वातावरण पिछले 5-10 साल से ये जो किया जा रहा है इस क्षेत्र के अंदर, जहां युवाओं को भटकाने का ही काम किया जा रहा है, कई प्रकार की ऐसी घटना होगी, मैं इसको यहां वर्णन नहीं करना चाहता, परंतु इकट्ठे जरूर कर लेते हैं, लेकिन उनको समाधान और उनको साथ रह करके संपन्न साथ में लेकर के सही रास्ता दिखाने का काम नहीं किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इनको सही रास्ता दिखा करके युवाओं बेरोजगार युवाओं को सरकार की योजनाओं को लाभ लेकर के किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, उस प्रकार का सोच होना चाहिए। जिस प्रकार से दूसरी बात यह भी कि एकलव्य और हमारे माँ शबरी जी हमारे आराध्य देव है, और उनके बारे में भी जिस प्रकार की यह देव हैं, इनको भी हम इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो यह हमारी यह काल्पनिक बता करके जिस प्रकार का यह अपमान किया जा रहा है, क्या भगवान राम भी काल्पनिक होंगे, चाहे एकलव्य और हमारी माँ शबरी माँ भी, ये सब काल्पनिक होंगे? ये कहां से किस प्रकार की स्थिति यह पढ़ करके अपने इस बयान को जारी कर रहे हैं? राजनीति तो सब करते हैं, और सभी राजनीतिक लोग भगवान श्री राम को आराध्य देव मानते हैं, एकलव्य और माँ शबरी की बात को मानते हैं, और आज जिस प्रकार की स्थिति कि जो स्वयं हिंदू है ही नहीं, इस प्रकार की बात कह करके क्या संदेश देना चाहते हैं, और शायद मैं सोच रहा हूं कि युवाओं के अंदर इस प्रकार की बात को अपने दिमाग में भरना, शायद मैं सोचता हूं आने वाला भविष्य इस क्षेत्र के लिए उचित नहीं रहेगा। कौन इनको किस प्रकार से जो ऊपर से बात इनको पढ़ाई जा रही है और सिखाई जा रही है, जैसा हमको समझ में आ रहा है कि वो झारखंड महाराष्ट्र और ऐसे लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को रखते हैं, और ये समझ रहे हैं कि पूरे देश के आदिवासियों को हम इस प्रकार का इकट्ठा करके हमें बहुत बड़ा संगठन बनाने हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि विदेशी लोग और वामपंथी लोग, जिस प्रकार के लोग आदिवासी समाज का यह जो उपयोग कर रहे हैं, यह समाज को बिखेरने का ही काम हो रहा है, इस प्रकार का इनके अधिकतर बयान से पता लगता है। राजकुमार जिस प्रकार के बयान दे करके आदिवासी समाज में जिस प्रकार से अनर्गल बातें, तो परिवार परिवार में ही इनका बाप बेटे के अंदर झगड़ा पैदा हो रहा है, और इस प्रकार की गलत बात को कह करके यह जो समाज में जो विकृतियां फैल रही हैं, और युवाओं में जो सही रास्ते से नहीं चलना और अलग अपने बात अपने स्वार्थों को सीधा करने का ही काम कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। यह आदिवासी समाज इसका बहुत ही घोर विरोध करता है, और आने वाले समय अगर यही इसी प्रकार की स्थिति रही तो इसका भारी विरोध किया जाएगा, और अपने रास्ते को आप थोड़ा बदल करके युवाओं को सही मुख्य धारा में बहने का, और सरकार की द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं और आम गरीब आदमी की
जो बात है उसको लाभ दिलाने का काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, राजकुमार रोध को हिंदू समाज से और आदिवासी समाज जो हमारा उससे माफी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार की गलत बयानबाजी करके भगवान राम को और एकलव्य और माँ शबरी माँ को भी, क्योंकि माँ शबरी भगवान राम से बिल्कुल इसका मनाता जुड़ा हुआ है और इसके साथ है, और उस प्रकार की काल्पनिक बातें हैं बता करके किस प्रकार का संदेश जाना चाहते हैं। माफी मांगनी चाहिए और सनातन संस्कृति की मानने वाले से भी और आदिवासी समाज हमारा जो उससे माफी मांगे, अन्यथा इसका घोर विरोध किया जाएगा।